जय श्री राम। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। थ्योरी हमने कर लिया है पहले चैप्टर की, तो हो सकता है न्यूमेरिकल्स के लिए भी कई सारी वीडियो जाए, तीन चार। तो ये पहली वीडियो है उसकी, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको पहले खुद से ट्राई करना है, और अगर खुद से ना हो तभी उसका सॉल्यूशन देखना है। पहले क्वेश्चन को खुद से वीडियो को रोक के ट्राई करो, फिर तो शुरुआत में इजी से क्वेश्चन है, बाद में डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक चालक पर 800 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। अब अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्रकृति तो जरूर धनावेश हो गई, अब आवेश कितना होगा वो निकालना है हमें। आवेश होगा क्यू बराबर एन ई, एन है 800 और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ तो क्यू बराबर हो जाएगा 800 × 1.6 × 10⁻¹⁹ तो 16 × 70 = 128 शायद, और 10⁻¹⁷ गुलाम, यह आवेश हो जाएगा। 2 0 थी तो 19 से 17 रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻¹⁵ मीटर है। तो दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला है बराबर की Q1Q2/r² के जो है वो है 9 × 10⁻¹⁹ प्रोटोन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ और दूसरे प्रोटॉन का भी यही आवेश होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ और नीचे दूरी थी 4 × 10⁻¹⁵ उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया ऊपर 9 × 1.6 × 1.6 और 10⁻¹ हो जाएगी 10 − 29 − 29 और नीचे हो जाएगा 4² = 16 × 10⁻¹ हो जाएगी −30। तो देखो इस 1.6 से 16 कट के जो है यहाँ पे बचेगा 10, ये 10 जो है नीचे 10⁻¹⁹ कर देगा और ऊपर की −29 कट गई, तो बल कितना आ गया 9 × 1.6 न्यूटन और 16 का नंबर 144 है, हाँ तो 14.4 न्यूटन इतना बल हो गया दो प्रोटोनों के बीच में। देखो अगला क्वेश्चन देखो, जब हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर भी विद्युत क्षेत्र का ही मात्रा होता है न्यूटन पर कूलम के जैसे, हो जाती है तो वायु का रुदन भंग हो जाता है। मतलब अब क्या होगा, वायु में जो है आवेश डिस्चार्ज होने लगेगा, विसर्जित होने लगेगा वायु में, मतलब वायु में को भी इतने विद्युत क्षेत्र में वायु में को भी धारा बह सकती है, करंट बह सकता है। बताइए कि 2.5 मीटर त्रिज्या के आवेश के गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है, उतना आवेश संचित किया जा सकता है जब जिससे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो, इससे ज्यादा होती प्रॉब्लम है। तो आवेश ठीक है, देखो गोला है इसकी त्रिज्या, अरे बड़ा सुंदर बना है गोल, इसकी त्रिज्या आर मान लो, आर कितनी है 2.5 मीटर, ठीक है, इस पर आवेश संचित है और हमने इसका फॉर्मूला भी करा था, और इसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी 1/4 πε₀ और Q/r² मान लिया आर आवेश संचित है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ आवेश तो निकालना है Q/2 को लिख लेंगे 5/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4, तो 25 तो यहाँ आ जाएगा और गुणा 4 यहाँ आ जाएगा बराबर 3 × 10⁶। तो इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 हो जाएगा, तो 25 इधर जाएगा, क्यों बराबर आ जाएगा 25 बटे में 4 दिए 12 और
और गुणा 10 की पावर 6 यहाँ है और भाग में 10 की पावर 9 जाएगी, तो 10 की पावर बचेगी माइनस के 3 कूलम। 12 दुनी होता है 24, बचा एक कैरी, 1/12 कितना होता है 0.08 होता होगा, 12 98 0.08, 4/12 नहीं, 8.5 ये हो जाएगा शायद, 98 पता नहीं यार, गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलम लगभग। दोबारा से देख लो अगर समझ में ना आया हो, अगर किसी भी गोले पर हम क्यू आवेश दे दें तो उसके परस्पर पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इतनी होती है, ठीक है, और अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी या इससे ज़्यादा हो जाए तो वायु का रोधन भंग हो जाता है, तो हम अगर इस मतलब इससे ज़्यादा आवेश हम दे नहीं सकते, वो आवेश वायु में चले जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, चिंगारी सी उठेगी वायु में, चिरुन, देखो भी होगा कई बार तार से आपस में भिड़ते हैं तो वे चिंगारी छूटते हैं, वो ऐसे ही वायु में जाएगा आवेश, तो उतना आवेश संचित किया जा सकता है 1/4πε0Q/r², इतने बराबर इतने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ से आवेश निकाल लिया ये 2.083 × 10⁻³ कूलम। समान प्रकृति के दो आवेश क्यों एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तीसरा आवेश क्यों कूलम रखा है क्योंकि किस मान के लिए निकाय संतुलन में होगा। देखो दो आवेश है क्यों 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 यहां बना लेते हैं, ये क्यों और ये भी क्यों, ठीक है, इनकी प्रकृति समान है, तो ये क्यों क्यों आवेश है समान प्रकृति के, एक दूसरे से डी दूरी पर है, इनके मध्य बिंदु पर ये आवेश क्यों रखा हुआ है जिसकी दोनों से दूरी d/2 हो जाएगी, और निकाय संतुलन में होना चाहिए, मतलब हर कोई जो अपनी जगह पर रहना चाहिए, किसी पर भी नेट बल नहीं होना चाहिए, नेट बल जीरो होना चाहिए, इस क्यू आवेश पर तो वैसे नेट बल जीरो है, इससे भी इतनी दूरी, इससे भी ये इस पर इस शायद आकर्षित करेगा इधर, उतना ही ये आकर्षित इसको इधर करेगा, तो ये तो कहीं नहीं जा रहा। अब जैसे मेरे को ये क्यू आवेश को स्थिर करना है तो इसको ये क्यों बड़ा क्यों जितने आकर्षण, ये तो छोटा क्यों तो ऑफकोर्स इसको प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि समान प्रकृति है, तो ये इस पर जितना प्रतिकर्षण बल लगाए इस दिशा में उतना ही अगर ये इस पर आकर्षण बल लगा ले, मतलब कुल बल जीरो हो तो निकाय क्या होगा संतुलन में होगा, सिमिलरली इधर भी जितना बल इस पर लगे स्मॉल क्यों द्वारा उतना ही बड़े क्यों द्वारा, मतलब नेट बल जीरो होना चाहिए, मतलब इस क्यों इस पर इस छोटे क्यों द्वारा बल क्या लगेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी डी स्क्वायर है प्लस इस बड़े क्यू से के क्यू क्यू बटे यहाँ पर दूरी d/2 है, d/2 का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 4 चला गया ऊपर और टोटल बल हो जाना चाहिए जीरो, यहाँ से के क्यू अपॉन डी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और बचेगा के कॉमन आ गया अपॉन डी स्क्वायर नीचे और एक और के, तो क्यू प्लस 4 बराबर जीरो, अब के जीरो नहीं है, क्यू आवेश जीरो नहीं है, दूरी डी जीरो नहीं है, सारे को जीरो में भेज देंगे, क्यू प्लस 4 बराबर जीरो, तो क्यू की वैल्यू आएगी माइनस के क्यू बटा 4, माइनस दिखा रहा है कि अगर ये दोनों धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है तभी तो आकर्षित कर पाएगा, और अगर ये दोनों ऋणात्मक है तो ये धनात्मक है, इसकी प्रकृति मतलब इसके उल्टी है, और परिमाण कितना है क्यों आवेश का चौथाई परिमाण है इसका, यो अगला क्वेश्चन है कि चार कण जिनमें से प्रत्येक पर आवेश 1 μC है एक समपंचभुज के कोनों पर रखे हैं, रेगुलर पेंटागन, यदि प्रत्येक कोने की केंद्र से दूरी 1 cm हो तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। मान लिया ये है वो समपंचभुज और ये क्यों आवेश यहाँ पे रखा है, 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 ये केंद्र है यहाँ पे, इस सब की इससे दूरी क्या है 1 cm है,
एक सेंटीमीटर। ओके, तो अगर यहां पर पांचवा भी आवेश होता, अगर पांचवा आवेश भी होता 1 सेंटीमीटर, तो कुल विद्युत क्षेत्र इस केंद्र पर होता 0। सबका विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देता, कुल मिला के कैंसिल कर देता। कोई भी रेगुलर फिगर हो, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज हो, उसके केंद्र पर भी समबाहु है ये, भले दिख ना रहा हो, या कोई एक स्क्वायर हो वर्ग, उसके केंद्र पर भी अगर बराबर बराबर और समान ही प्रकृति के आवेश रखे हैं, तो जैसे इसका विद्युत क्षेत्र ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, सबके विद्युत क्षेत्र आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां पर ये आवेश नहीं है, ये आवेश नहीं है, सिर्फ चार ही आवेश है। तो ये चारू आवेश जितना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ये चारू आवेश जितना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, अगर ये पांचवा भी होता तो ये उतना ही विद्युत क्षेत्र बना के उस विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है, 0 कर देता है ना। देख लो, चार की बराबर ताकत एक में है, क्योंकि सारा खेल वेक्टर का है, नहीं दिशा का, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये पांचवा आवेश एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये चारों आवेश जितना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे उतना ही बनाएंगे जितना ये अकेला बनाता, और दिशा हो जाएगी जो जिस दिशा में इस पांचवे वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र होता उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, तभी तो दो अपोजिट ही विद्युत क्षेत्र तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली सवाल हो गया बहुत ही सिंपल, क्यू की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रो कूलाम। हमें बस पांचवे आवेश द्वारा देखना कितना विद्युत क्षेत्र बन सकता है। दूरी जो है आर बराबर 1 सेंटीमीटर है, और विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी 9 × 10 की पावर 9। आवेश का मान 1 माइक्रो कूलाम, मतलब 10 की पावर -6, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की पावर -2, उसका स्क्वायर कर देंगे 10 की पावर -4, तो 9 और 4 13 में से 6 गए 7, तो 9 × 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम ये विद्युत क्षेत्र होगा। ओके, है ना, बढ़िया। छठा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए आवेशों Q1 और Q2 के चिन्ह क्या होंगे। तो देखो, Q2 से तो बल रेखाएं निकल रही है ना, Q1 पर पहुंच रही है, तो Q1 ऋणात्मक होगा और Q2 धनात्मक होगा। यदि बल रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती है, ठीक है, आवेश के परिमाण के समानुपाती है, और Q1 बराबर है 1 माइक्रो कूलम, तो Q2 का मान बताना। देखो, Q1 पर कितनी बल रेखाएं निकल आ रही है, 1 2 3, तीन बल रेखाएं Q1 पर आ रही है। ठीक है, और Q2 से कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 निकली, इस तक 3 पहुंची, यानी कि जो Q2 का परिमाण है वो Q1 का क्या है, दुगुना है। ठीक है, जस्ट दुगुना, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2 माइक्रो कूलम हो जाएगा। है ना, आसान आसान है, बिल्कुल आसान। अब 7वां सवाल, 1 मीटर लंबी छड़ पर 1 माइक्रो कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ओके, इसे मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया का आकार दे दिया है, इसे मोड़ कर 1 मीटर की छड़ थी, पकड़ कर ऐसे मोड़ दी, अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त के वक्रता केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये एक छड़ है, मान लिया 1 मीटर लंबी, इस पर आवेश है पूरी में, ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, 1 मीटर, आवेश कितना है इस पर, क्यू बराबर 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, अगर मैं इसका रैखिक आवेश घनत्व तो निकाल लूँ, लैम्बडा बराबर वो क्या होता है, Q/L। ठीक है, एल लंबाई 1 मीटर है, तो भैया आवेश है 1 माइक्रो कूलम, और लंबाई एल क्या होगी, 1 मीटर, तो वो आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर, यानी 10 की पावर -6 कूलम प्रति मीटर। ये आ गया लैम्बडा, यानी आवेश घनत्व। ठीक है,
अब इसको जितनी भी लंबाई है उससे भाग दे देते हैं। अब इसको मोड़ के इसका बना दिया है अर्धवृत्त, ऐसे मोड़ के ये बन गया अर्धवृत्त, ठीक है। और इस पर आवेश है पूरी पे ही, और इसका वक्रता केंद्र होगा कुछ यहाँ पर, यानी कि जब अगर ये पूरा वृत्त होता तो इसका केंद्र जो होता उसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये त्रिज्या होगी इसकी, मान लिया आर, ये आर त्रिज्या, हर जगह से दूरी आर ही होगी, है ना, त्रिज्या तो बराबर होती है, ठीक है। अब देखो ये लंबाई कितनी माननी हमने, वैसे 1 मीटर है, एल बोल दूँ अगर मैं इसको, तो एल कितनी हो जाएगी भाई, देखो पूरी क्या होती है 2πr, तो ये क्या हो जाएगी पाई आर, मतलब लंबाई एल बराबर हो जाएगी पाई आर, या फिर मैं कह सकता हूँ आर जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी एल अपोन पाई, और एल क्या है 1 मीटर है, यानी 1/π मीटर। ओके, अभी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है कुछ? हाँ होता है, होता होगा, मैं तो पता नहीं, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इसका क्या होगा। मान लिया मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, ठीक है, और जिसकी लंबाई है डी एल, ठीक है, छोटी सी लंबाई है उसकी डी एल, ठीक है, बिल्कुल जो बीच है इसका, ठीक है, बीच मान सकते हो तुम। अगर यहाँ पे मैं कोई डी एल लेता तो उसकी वजह से सीधा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है, जो कि इसके बीच से बिल्कुल क्या है थीटा के, थीटा दूरी पर लिया है, ठीक है। चलो ये डी एल जो है, मान लिया यहाँ पर ये सेंटर है ओ, ओ कुछ पीटी वीटी मिल सकती है क्या, तो ये जो डी एल है यहाँ पर एक छोटा सा कोण बनाता है डी थीटा नाम का, ठीक है, बहुत छोटा सा कोण डी थीटा, ठीक है, भले ही चित्र में तुमको बहुत बड़ा सा ही दिखे डी एल, ये बहुत ही छोटा सा, मतलब इनफिनिट इनफाइनाइटली बहुत छोटा, मतलब क्या बोलते थे उसको, इनफिनिटी सिमिली, है ना, अंग्रेजी में जब हम पढ़ा करते थे तो एक शब्द था इनफाइनाइटी सिमिली, कुछ ऐसा था, इसका मतलब था अनंत रूप से बहुत छोटा। ये यहाँ से एंगल क्या है इसका थीटा, चलो कोई नहीं। अब इस डीएल लंबाई पे आवेश कितना हो जाएगा, कितना आवेश हो जाएगा, देखो आवेश घनत्व तो हमने क्यों निकाला था, इसलिए तो निकाला था, आवेश घनत्व तो कितना है लैम्बडा है, ठीक है, जो भी है लैम्बडा है, तो डीएल लंबाई पे आवेश हो जाएगा लैम्बडा इंटू डीएल, पूरी पूरी लंबाई पे आवेश क्या हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल, ठीक है, तो छोटी सी डीएल पे लैम्बडा इंटू डीएल। तो मान लीजिए इसकी वजह से जो भी आवेश है इस पे, इसका विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में है, ऐसे ऐसे, ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र को हम बोल देते हैं डी ई, है डी ई। सपोज इतने ही कोण थीटा पे एक इधर भी डी एल ले लिया मैंने, है ना, सब कुछ सेम, छोटा सा डी एल, ठीक है, वो भी देखो ये दूरी भी क्या होगी आर ही होगी ये, है ना, त्रिज्या तो सारे की सेम ही रहेगी, तो इस डी एल का भी सब कुछ कार्यक्रम सेम है, और इसका भी विद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में होएगा डी ई। तो क्या ये दोनों विद्युत क्षेत्र सीधे जुड़ सकते हैं, नहीं, इनकी दिशा जो है अलग है, परिमाण इन दोनों के बराबर होंगे, हाँ डीएल डीएल बराबर लिए मैंने, तो आवेश भी यहाँ पे लैम्बडा डीएल, यहाँ पे लैम्बडा डीएल, दोनों की दूरी भी सेम है, तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र के मान भी सेम होंगे, तो यानी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इनका वो इन दोनों के बिल्कुल बीच से होकर गुजरेगा, है ना, बिल्कुल बीच से, और वो क्या हो जाएगा थीटा, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करेंगे, ये थीटा होगा इधर, तो
तो इधर ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो इसका भी थीटा पे कंपोनेंट डी ई कोस थीटा हो जाएगा, और इसका भी थीटा पे कंपोनेंट डी ई कोस थीटा, दोनों डी ई कोस थीटा डी ई कोस थीटा जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो कुल विद्युत क्षेत्र इन दोनों का जुड़ के क्या हो जाएगा, टू डी ई कोस थीटा, कितना, टू डी ई कोस थीटा। और वैसे डी ई का मान निकाल लिया अगर हम, तो डी ई बराबर होगा एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू, डी क्यू क्या लिखा है, इसे डी एल में जो आवेश है उसको डी क्यू लिखा है, डी क्यू बटा आर स्क्वायर, है ना। और डी क्यू की वैल्यू क्या है वो भी लिख देते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल, आवेश को ना तो गुणा उसकी लंबाई बटे आर स्क्वायर, है ना। ये है एक चीज और होती है, तुमने अगर पढ़ा होगा कोई वृत्त हो, अगर उसमें मैं कोई चाप लूँ उसकी लंबाई एल है, ठीक है, और वो केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, उसकी त्रिज्या आर है, तो तुमने पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना, थीटा बराबर एल बटा आर। ऐसे यहाँ पे देखो ये जो डी एल है ये अपने इस केंद्र पर डी थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बराबर डी एल बटा आर, ठीक है। डी थीटा को क्या लिख सकता हूँ, डी एल बटा आर लिख सकता हूँ। यहाँ देखो तुमको एक डी एल बटा आर मिल जाएगा, इसमें डी एल बटा आर मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो उसको डी थीटा में बदल देंगे, ठीक है। वन फोर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को सुविधा की दृष्टि से फिलहाल के लिख लेते हैं, के लैम्डा, और डी एल बटे आर का बन गया डी थीटा, और आर नीचे एक बचेगा, ठीक है, के लैम्डा बटा आर और डी थीटा, ये क्या हो गया मेरा, यहाँ बराबर मतलब ये है विद्युत क्षेत्र टी, ठीक है। अब मतलब हम थीटा के रेस्पेक्ट में इस सारे को इंटीग्रेट कर देंगे। थीटा देखो कहाँ जा रहा है, अगर बिल्कुल छोटा सा डी एल बिल्कुल यहीं लूँ, बिल्कुल इससे जीरो, तो जीरो से ले गए और मैक्सिमम सबसे दूर डी एल इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 90 डिग्री तक। देखो तो यहाँ पे लिया तो इसका मतलब एक साथ के साथ उसका यहाँ भी लिया, ठीक है, मतलब जैसे जैसे यहाँ लिया एक तो यहाँ का भी कवर हो गया उसमें, ठीक है, और यहाँ लूँगा तो उसमें यहाँ का भी कवर हो जाएगा। मतलब जो एक टू डी ई कोस थीटा है इसको मुझे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा सारे आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, ठीक है। ये तरीके थे जितने भी हमने डेरिवेशन किए ना, वो उस नियम लगा के वो ऐसे इंटीग्रेशन से भी आ जाएंगे, है ना। तो टू डी ई कोस थीटा, तो कुल विद्युत क्षेत्र ई जो होगा वो होगा इस टू डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन, वो भी कहाँ से कहाँ तक, थीटा बराबर जीरो से लेके और थीटा बराबर 90 डिग्री तक, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह ये सिस्टम भी सीख लियो, फिजिक्स में ज़रूर चाहिए होंगे, भले ही तुम बायोलॉजी के क्यों ना हो, है ना। कोई ना मिले सिखाने को तो मुझे बता देना, फिर हम ही सिखा देंगे। तो भाई भाई या बहन जो भी हैं, टू और डी ई तो कॉन्स्टेंट है, कुछ कॉन्स्टेंट नहीं है। टू डी ई की वैल्यू क्या है, के और लैम्डा बटा आर और डी थीटा, मतलब कोस थीटा डी थीटा लिख लेते हैं। अब ये सारा कौन कॉन्स्टेंट है, टू के लैम्डा बटा आर, ठीक है। कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है, और थीटा बराबर जीरो से ले गए थीटा बराबर 90 डिग्री तक, तो टू के लैम्डा बटा आर, और थीटा साइन 90 की वैल्यू देखो इसमें, अब लिमिट देखते हैं तो पहले साइन 90 रखेंगे, माइनस लगा के साइन जीरो रखेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और माइनस साइन जीरो की जीरो, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र जो है ये आ गया ई बराबर 2 के लैम्डा बटा आर, ई बराबर आ गया 2 के लैम्डा बटा आर, और दो गुणा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू होती है क्या, क्यू बटा एल, जो भी लंबाई है उसकी छठ की, वैसे तो एक मीटर ही है, गुणा आर की वैल्यू क्या आई थी, आर की वैल्यू आई थी एल अपॉन पाई, है ना। तो देखो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, और इस टू से फोर कैंसिल हो जाएगा टू, और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें अब जो है वैल्यूज क्या क्या थी, क्यू बराबर 1 कूलम है और एल पर 1 माइक्रो कूलम, सॉरी,
और एल बराबर 1 मीटर है, तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर 10^-6 बटे 2, और 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर ही लेते हैं 2 पाई, और ये बन जाएगा फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एल तो 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9×10^9 × 2π×10^-6, तो 9×18π×10^3 न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ओके अच्छा, जो ये फॉर्मूला हमने निकाला है उसको मेरे हिसाब से शायद हम ऐसे करके भी निकाल सकते थे, ये जो अर्धवृत्त है आवेश, इसमें अगर यहाँ ये सेंटर है वो एक ऐसा मैं वो बनाऊँ परस्ट बेलनाकार सा कि ऐसे वो इसको कवर कर ले पूरे को, ठीक है, मतलब यार कहाँ चला गया ये बंदा बंदा ऐसे, ठीक है। अब ये हर बिंदु से लगभग लगभग बराबर बराबर दूरी पे है ना, और विद्युत क्षेत्र भी हमेशा हर एक इससे के कारण क्या होगी, बल रेखा इसके पृष्ठ के हमेशा लंबवत ही गुजर रही होगी, तो आई थिंक कि यहाँ पर मैं फिर गॉस की प्रमेय लगाऊं, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और है इसकी मतलब ये बिल्कुल पृष्ठ जो है यहाँ तक ही है, ठीक है, मतलब ये लगाएंगे विद्युत क्षेत्र फ्लक्स हो जाना चाहिए विद्युत क्षेत्र और गुणा क्षेत्रफल डायरेक्टली बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2πRL बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई गुना 2πR की वैल्यू होती है एल अपॉन पाई, वो तो हमने देखी थी है ना, और गुणा एल तो पाई से पाई कट के बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र सेम वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत कुछ कन्फ्यूजन भी थी तो हमने सोचा जो वेल नोन मेथड है इंटीग्रेशन का वही यूज कर लेते हैं, तो चाहो तो ये फॉर्मूला भी जो है याद करके रख सकते हो इफ़ यू विश। एक समान रूप से आवेशित अर्धवृत्त जिसकी परिधि एल हो, तो परिधि एल हो तो फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर यूज। ओके अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज बहुत लंबी सी थी, मैंने सोचा अच्छी तरह से ही समझ में आ जाएगा। ये एम द्रव्यमान का कुछ पिंड है जो कि स्प्रिंग से जुड़ा है इस दीवार से, ठीक है, फिलहाल स्प्रिंग में कोई तनाव नहीं है, सेम आराम से कोई स्ट्रेस नहीं है, अनस्ट्रेस्ड है बिल्कुल, क्यों आवेश है, और हम एक स्विच दबा के विद्युत क्षेत्र ई स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे जब इस विद्युत क्षेत्र को, तो इस आवेश क्यों आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा क्यों ही, ये इसको इधर को खींचेगा, खींचेगा तो स्प्रिंग पर तनाव लगेगा, ठीक है। तो इसने पूछा है कि जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है, पूरा खींचने के बाद जब छोड़ देते हैं तो ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो तब इसका आयाम क्या होगा, तब इसका आयाम क्या होगा, देखो जब इस ने विद्युत क्षेत्र ने इस पे बल लगाया, इस दिशा में इसने चलना शुरू किया, तो एक कहाँ तक जाएगा, जैसे जैसे ये दूरी हो रही है, जैसे जैसे ये मतलब यहाँ से जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, मान लिया यहाँ तक पहुँच गई एक्स होगा, तो जैसे जैसे ही ये एक्स बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगी स्प्रिंग पे हुक्स नियम के अनुसार वो बल लगेगा एफ बराबर के एक्स परिमाण में, ठीक है, उस बल का परिमाण एफ बराबर, दूसरी कॉपी पर लिख लेते हैं, एफ बराबर कितना लगेगा के एक्स बल लगेगा,
ठीक है। और जहाँ भी ये के एक्स जो एक्स के बढ़ते बढ़ते बढ़ता रहेगा, ठीक है, और ये क्यू ही बल तो कॉन्स्टेंट ही है, तो जब ये बढ़ता बढ़ता जिस एक्स के लिए जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, ठीक है, के एक्स जो है इस दिशा में लग रहा है और क्यू ही इस दिशा में लग रहा है, जब जहाँ पर भी ये दोनों बल जो है के एक्स और क्यू ही बराबर हो जाएंगे, जितनी दूरी पर एक्स की जिस वैल्यू के लिए, उसको ही हम बोल देंगे इसका क्या मतलब आयाम, ठीक है, इस मोशन का आयाम। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कोई वस्तु किसी केंद्र के ऐसे 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 गति करती है, ठीक है, ठीक है। और एक्स क्या है, जैसे मान लिया अभी ये यहाँ है तो इसका विस्थापन ये एक्स है, ठीक है, और ये मैक्सिमम जो विस्थापन हो सकता है इसका, उसको बोलते हैं आयाम, ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो उस एक्स की वैल्यू ए के लिए फोर्स क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के गुणा ए, ठीक है, लेकिन विद्युत बल क्या लग रहा है, क्यू ई, विद्युत बल तो क्यों ही लगेगा, क्यों आवेश है, ई विद्युत क्षेत्र है, क्यों ही, और स्प्रिंग का बल क्या लग रहा है उस बिंदु पर, के ए, ये दोनों हो गए बराबर, तो आयाम की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई अपॉन के, ये आ जाएगा आयाम यानी एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओ एस एच एम। थोड़ा सोचना, थोड़ा पढ़ लेना एस एच एम, अगर नहीं समझ में आया है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्यों आवेश है, ठीक है, इसका द्रव्यमान भी एम है और जो है एम द्रव्यमान है, लिखा नहीं, एम द्रव्यमान है, और इधर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनल है, बल लगाता है, डी दूर है दीवार ये, ठीक है, जहाँ पर ये टकराता है और प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन करता है, ठीक, तो जाएगा ऐसे टकराएगा फिर वापस आ जाएगा यहाँ तक आएगा, ये विद्युत क्षेत्र तो हमेशा बल लगा ही रहा है, यहाँ तक आने के बाद जीरो होके इसकी वेग फिर से जाएगा टकरा के, फिर से यहाँ तक आएगा, फिर जाएगा टकरा के, फिर यहाँ तक आएगा, फिर जाएगा टकराएगा, फिर यहाँ तक आएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है, तुम हाथ में बोल लो और उसको जमीन पर छोड़ो, और जो टक्कर हो अगर वो पूरी प्रत्यास्थ इलास्टिक कोलिजन हो तो वो बोल जितनी ऊंचाई से छोड़ी गई उतनी ऊंचाई तक ही पहुंचेगी, हालांकि रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, बोल कुछ कम ऊंचाई तक पहुंचते हैं, गिरते हैं, फिर कुछ ऊंचाई कम ऊंचाई तक कम, और ऐसे ऐसे जमीन पे ही रह जाती है, ठीक है, ऐसे उछली यहाँ से छोड़ी, उछली यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन की वजह से छोड़ा वहीं तक, वहीं तक, वहीं तक पहुंचा, है ना। तो हमें बताना है इसका, ये जो आवर्ती गति कर रहा है, अब इसका आवर्तकाल बताना है, आवर्तकाल क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच के टकरा के दोबारा यहाँ तक ही आए, वो आवर्तकाल होगा, तो उसके लिए इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकाल लेते हैं और उसका डबल कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक शुरुआत में देखो इसका वेग जीरो है, जब विद्युत क्षेत्र को स्विच ऑन करा हमने तब बल लगा, तब इसने गति करना शुरू किया, ठीक है, गति करते हुए यहाँ तक टकराया, डी दूरी तय करता हुआ, तो यहाँ पर हम गति की समीकरण लगाएंगे दूसरे वाली, देखो ये होती है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना, और दूरी इसने कितनी करी, डी दूरी, शुरुआती वेग तो जीरो ही है, प्लस 1/2 त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण होता है बल, बल बटे द्रव्यमान, बल है क्यू ही, ठीक है, फोर्स एफ बराबर क्यू ही, और ए बराबर होता है F/m, तो त्वरण हो जाएगा क्यू ही बटा एम, ठीक है, तो क्यू ई बटा एम इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी है, तो 2md/qe बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर के, और टी हो जाएगा √2md/qe, ओके, ये हो जाएगा समय टी। अब आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल हो जाएगा इस टी का दुगुना, ठीक है भाई, गया और आया डबल टाइम, तो हो जाएगा 2√2md/qe, अगर इस 2 को भी रूट में भेज दो तो 4 बन के पहुंच गए, 4 × 8 तो 8md/qe ये हो जाएगा आवर्तकाल इसका। एक क्वेश्चन और था इसका कि या क्या यह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या यू, मतलब सरल आवर्त गति, तो नहीं है, देखो सरल आवर्त गति में जो बल होता है उसके विस्थापन के प्रोपोर्शनल होता है, एक्चुअली अनुक्रमानुपाती माइनस एक्स, माइनस दर्शाता है कि बल की दिशा उल्टी है एक्स के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बल है वो क्यों ही है और वो कॉन्स्टेंट ही हमेशा बदल नहीं रहा है किसी भी एक्स के अनुक्रमानुपाती, तो
नहीं है, तरल आवर्त गति है, नहीं। अब एक और ये क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि ऊपर जो है, यहाँ पर जो है एक है हेमिस्फेयर मतलब अर्ध गोला, और नीचे है शंकु, उसके ऐसे अर्ध गोले के वक्रता केंद्र पर यह आवेश रखा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर जो शंक्वाकार सतह है इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, अगर वो एन बाई सिक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो तो एन का मान बताओ। ठीक है जी, एडवांस्ड का सवाल है ये, शायद 2021 या 22 का, पर ये जी सही था। देखो क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश से फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये पूरा गोला होता तो आधा ऊपर से निकल जाता, आधा नीचे से, यानी ऊपरी सतह पे से कितना निकलेगा, ऊपरी सतह पे से निकल जाएगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का आधा, तो नीचे से भी 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है एन बटा छः निकल रहा है, तो एन की वैल्यू 3 रख दो, एन बराबर 3, क्योंकि 3/6 भी तो 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर 3 होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे भी हम न्यूमेरिकल्स लाएंगे और अब अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। तो हमें दीजिए आज्ञा, जय सिया राम।